आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर जबेरा दमोह मध्य प्रदेश से। हिमराज सिंह ठाकुर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के साथ। जबेरा अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदुआ सड़क में पत्थरों सहित अवैध खनिज संपदा का लगातार दोहन हो रहा है, जिससे आज केवल यह खनिज संपदा के नाम पर कई ट्राली राजस्व विभाग एवं जंगल से अवैध रूप से पत्थर आ रहा है। इस संपदा को खत्म करने में सरपंच, सचिव एवं राजस्व विभाग एवं वन विभाग भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जंगल की शान वहां फैले पत्थर होते हैं, जिनका बड़े स्तर पर पंचायतों के कार्य में परिवहन हो रहा है और बिल लगाकर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन असल शासन के द्वारा मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से पंचायतों में पैसा जारी किया है, जिससे खकरी निर्माण करनी है और मजदूरों को रोजगार देना है, लेकिन सचिव, सरपंच, राजस्व विभाग के पत्थर उठाकर खकरी निर्माण करवाकर पत्थर खरीदे के बिल लगा रहे हैं। पहले शांति धाम में, फिर खेल मैदान में लगने लगे हैं पत्थर। ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग एवं जंगलों के पत्थरों से खकरी का निर्माण किया जा रहा है। खकरी के लिए पत्थरों को राजस्व विभाग से उठाया जा रहा है। इसके बाद भी वन विभाग और राजस्व विभाग की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। खकरी बनाने के बाद बिल्डर के बिल लग रहे हैं एवं खकरी के ऊपर जो DPC डलती है वह 4 इंच की नहीं है और उपयंत्री एवं सचिव रोजगार सहायक की मिली भगत से उसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है, क्योंकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार टारगेट के हिसाब से खकरी निर्माण को नहीं बनाया जा रहा है और जो खकरी निर्माण हुआ है उसमें नीचे भी नहीं खोदी गई है और निर्माण कार्य शुरू हो गया। और ग्राम पंचायत, जिसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों का घेराव किया जाए, इसमें किसानों के खेतों का घेराव करना है। इससे खकरी निर्माण में जो पत्थर लग रहा है वह राजस्व विभाग एवं जंगलों से लाया गया है। जब इसकी जानकारी मिली तो YMS टीम वहां पर गई। अन्य ग्राम पंचायतों में भी राजस्व विभाग एवं जंगल का पत्थर लग रहा है।